अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी यूनिवर्सिटी के वो है कि मुझे ना प्यारे प्यारे बादल देखने को मिलते हैं बस। यूनिवर्सिटी में से कहीं ये चीज़ अच्छी और कुछ अच्छा नहीं है। टाइम ख़त्म हो गया मेरा और अब मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। मेरी बेबी गंदी हुई भी है, उसको मैंने क्लीन करवाना है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और कल मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो नहीं जाएंगे लेकिन पेपर होगा तो मैं उसका सारा साफ करवाऊँगा। कोई मेरी गाड़ी को मार कर चला गया और जब भी मार कर गया है ना उसको अल्लाह पूछेगा। अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और आज मेरे साथ इतना गंदा सीन हुआ। मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी क्योंकि मैं सुबह सुबह तैयार होकर गई गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मतलब कि मैंने इतनी कोशिश की वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने उतर के उसका पानी दोबारा से चेक किया, सारा कुछ किया, उसकी बैटरी का प्लग उतार कर दोबारा लगाया सारा कुछ दो तीन बार, फिर उसको सब स्टार्ट किया कोई भी नहीं। फिर मैं कॉल्स कर रही थी ठीक है कि घर में से कोई आ जाए, वो घर में से भी किसी ने कॉल नहीं उठाई मेरी। और जब मैंने नेहा को कॉल की तो कहती यार मुझे बहुत नींद आ रही है ये वो, नहीं तो मैं आ जाती एंड ऑल द स्टफ। मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ, मेरे साथ मेरी दोस्त ने भी जाना था तो मैंने उसको कहा चलो राइड करवा लेते, उसकी गाड़ी भी ख़राब थी तो। पर फिर मुझे मामू मिल गए जब मैंने अपना दोबारा सारा काम किया, फिर उन्होंने आकर जब नेक्स्ट मारा तो वो स्टार्ट हो गई और सारा क्रेडिट वो लेके, हालांकि इतनी मेहनत मैं कर रही थी लेकिन सारा क्रेडिट वो ले गया। तो फाइनली फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए भी लेट हो रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और उसके वजह से, लेकिन फिर मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस बनाया था अपनी गाड़ी को और बस मैंने भगाई है और मैं ले कर आई और फिर हम लोगों ने पेपर और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड अच्छा था। तीन रह गए हैं उसके बाद थोड़े दिन सुकून के होंगे तो इसके बाद फिलहाल तो मेरा कोई सीन है नहीं अभी। अभी फिलहाल घर जाऊंगी और मुझे बहुत नींद आई हुई है बिकॉज मैं इतने दिनों से सही से सोई नहीं हूँ। हाँ तो घर जा रही हूँ मैं, मैंने अपनी दोस्त को छोड़ दिया हुआ है और लेट्स गो घर। घर आ गई हूँ मैं और गाड़ी भी मैंने पार्क कर दी है और फिलहाल मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अब मैं शायद थोड़ी देर सोऊंगी। उसके बाद मैंने आंटी के साथ जाना है, मुझे अभी याद आया कि कल उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उनके साथ किसी काम से जाना है तो बहुत थकी हुई, मेरा दिल नहीं है ड्राइव करने का लेकिन मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। उसके बाद शायद मुझे आमना नेहा को भी लेने जाना पड़ेगा तो फिर और ड्राइव करना पड़ेगा मुझे ड्राइव। और कल मेरा एग्ज़ाम भी है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं क्या करना है। अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अपडेट गाइस, मैं सो कर उठी हूँ, मेरी बहन ने उठाया सो के उठ के कि उठो वहाँ के इंतजार करिए तुम्हें जाना उनके साथ। तो अब मैं गई हूँ और फ्रेश हो गया, मैं आंटी के साथ जाऊँगी तो हाँ मेरे लिए नाश्ता भी छोड़ गई है, उनके साथ नाश्ता होता है तो नाश्ता भी छोड़ गई है तो मैं वो भी करूँगी। एक कबाब और ये पराठा छोड़ दी है मेरे लिए खाने के लिए, बाकी प्लेट नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत मेसी है तो अब मैं खाने लगी। तो अब मैं आंटी के साथ जा रही हूँ, उन्होंने सीधे लेने के लिए जाना है तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। गाड़ी स्टार्ट की है मैंने, अब मैं आंटी का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो बड़ी आंटी के घर गई है मेरी और उनका कुछ काम वगैरह हो रहा है घर में तो उनके देखने के लिए, तो मैंने कहा चलो तब तक गाड़ी स्टार्ट कर लेती हूँ तो फिर वो आएंगे तो फिर मैं निकलूँगी। मुझे भी एग्जाम की तैयारी भी करनी है और मुझे कुछ नहीं पता।
जबरदस्ती सावन उठा के लाएंगे क्योंकि वो घर से कहीं खेलने वेलने के लिए ना निकल जाए। हाँ अब वो पेंट नहीं होगी, क्रिसमस में हम घर वापस चले जाएंगे। उन्होंने मेरे बाल देखे और मुझे उन्होंने सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहते ये क्या किया है, ऐसे तो आंटियाँ करती हैं ये। उन्होंने कहते मेरा दिल कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहते जब आंटियाँ होती हैं ना वो ओल्ड एज हो जाती है तो वो अपने बालों को काटना होता है, मैं इनके काट कर लेकर उनके बाल तो वाइट होते हैं। इसलिए आगे कहते तुम्हारे वाइट हो गए, तो उन्होंने मेरे ब्लैक ही, लेकिन उनको रेड से बाल छोड़ के मैं नेहा और आमना को लेने के लिए जा रही हूँ। और थक गई हूँ मैं ड्राइव कर करके, और मैं रश से भी बहुत तंग हूँ। लाइक इस साइड पर इतना रश होता है। सदर आ गए हैं, मैंने इन दोनों को पिक कर लिया है। ये रही आमना, ये रही नेहा। तूने कैमरा गलत, नेहा ने मुझे बताया है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यार मुझे लग रहा है मुझे माइग्रेन हो चुका है ना, जाने लगी है मिल रहा है। माइग्रेन में बंदा मरता नहीं है, पागल है हो गया। क्योंकि ना मेरी राइट साइड की ना इधर दर्द बहुत हो रही है ब्रेन में, मुझे ऐसा नौजिया हो रहा है, मुझे रोज होता है। तुमने कैमरा गलत रोटेट किया, खैर सही कर लेना। तो ये मेरी चाय मार भी दे रहा है। नींदर बैठ गई है, एक उधर बैठ के हमसे नाराज होके लड़ी थी हमसे। अभी खाना आएगा ना तो मुझे तुम्हें डाल देंगे, ठीक है ना? नहीं होगी क्या कट्टी। खाना आ गया है, भूखे लोग स्नैप के भूखे लोग। कल तो खाने पे टूटी हुई थी, हम नहीं टूटे, ठीक है ना? स्नैप के भूखे लोग, स्नैप पर चल खाना खा था। कल की रात में निकले हुए हैं, आप सोच रहे मैंने ग्लासेस क्यों लगाई है, मुझे लग रहा है मेरा हेडेक इसलिए हो रहा है। ड्राइवर लाल बालों वाली आज की ब्लॉगर, सबसे कुछ छोटे बाल जो है ना ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे अच्छा लगता है। गालियाँ देते हुए क्या हुआ है? न्यू जो न्यू ड्राइवर होते हैं, न्यू तो नहीं है, चलो पढ़ी है, साल बाद ड्राइव करी है, पाकिस्तान में वो भी तब से उसको ना हर किसी से पसंद है, हर किसी से। आप लोग को ना अपनी ना गाड़ी वाले स्ट्रगल सुनाना चाह रही, तो आप लोग बहुत सुन लेंगे। मतलब ये अपनी तारीफ खुद कर रही है, आंटी का बस नाम लगा रही, करिए खुद रही है। पहले क्या बता रही थी, गाड़ी लगने वाली थी वो, इसके लाल बाल देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मुझे मेरी यूनिवर्सिटी लेने आई ना, तो मेरी दोस्त सारी कहती है तुम्हारी बड़ी बहन लग रही, तुम तो छोटी लग रही है। लगता तो नहीं है, मुझे लगा था
about it. They were asking about it. They were like, तुमसे छोटी लगती है. कैसे होते हैं छोटी मैंने बड़ी लगती है. अच्छी बात है ना, जब मैं अपनी 26 के भी हो जाऊंगी ना, 36 लोगों तब भी यंग लगूंगी. तो मैं लगूंगी तो नहीं, तुम बुढ़ी हो जाओगी. आप लोग को मैं क्या अभी लगती हूँ 20 की? नहीं ना, देखो आई ऑलवेज से कि आई एम गोना बी 21 बट आई लुक लाइक 16. मुझे कमेंट्स में बताया मैं 20 की लगती हूँ 16 की. और इसका ही बताइए 23 की होने वाली लग रही है या ये 19 की लग रही है. और ये भी कि कौन बड़ा लगता है.